अंशुल, यही एक बात जो है, मोटी मोटी यही बात है कि ठीक है, अब ये रिपोर्ट सामने आई, जाहिर है सबके मन में सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब तो सरकार को ही देना है ना, वो जवाब क्यों नहीं सुना जा रहा है, ये एक बहुत अहम सवाल है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत में भी कहा, भाई तीखे से तीखे सवाल पूछिए, लेकिन जवाब देने का वक्त भी दीजिए, उस वक्त हंगामा मत कीजिए। ये लोगों का अनाड़ीपन होगा अगर वो समझते हैं कि सरकार सचमुच कोई जवाब देगी। सरकार कभी चाहती नहीं है कि कोई जवाब दे, मतलब अगर वो इनकार करती है, किसी चीज को खारिज करती है, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल सच है। ये मैंने देखा है, इनका इतिहास है, यही उनकी नीति है, यही उनकी तबीयत है, यही उनकी फितरत है। तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और एक बात मैं जरूर कह देता हूं संदीप जी, कि यहाँ ये तो जमहूरियत है नहीं, अब तो ये तानाशाही में बदल गई है। और एक उदाहरण है, संस्थाओं को तो आपने ले लिया है, छोटे छोटे बच्चों को आपने तो सलाखों के पीछे डाल दिया है, वो बात ठीक है, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सब हम जानते हैं, लेकिन आप जासूसी अपने लोगों पर भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों पे, अपने कैबिनेट कॉलीग्स पे, अपने समर्थकों पे। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार की भी तरफदारी करते हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ लिखा नहीं है, उन पे भी जासूसी हो रही है। देखिए, सरकार इतनी घबराई हुई है, इतनी पैरानॉइड है, इतना फियर साइकोसिस है कि वो कुछ और कर नहीं सकती, वो बिल्कुल डरी हुई सरकार है। और ये चर्चा से कुछ नहीं होगा, कोई संवाद नहीं होने वाला, आप समझते हैं? क्या कृषि बिल पे संवाद हुआ था? हम चाहते थे डिवीजन हो, क्या उन्होंने बातचीत की थी किसी चीज पे? क्या किसी चीज पे यहां पर बातचीत, बिल पे बिल पास होते जा रहे हैं, या आईटी बिल हो, उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई गुप्त नहीं हो रही, इस पे भी कुछ नहीं होने वाला, ये एक तरह से रेड हेरिंग है, सरकार चाहती नहीं है। और यही पुष्टि, ये बात की पुष्टि करती है कि सरकार बिल्कुल गिल्टी है। अंशुल जी, लेकिन हंगामे से क्या हासिल होगा? देखिए, मेरा वही सवाल था, अगर आप हंगामा करेंगे, ठीक है, सवाल का जो जवाब दिया जा रहा है वो सुन लीजिए, और फिर जवाब अगर नहीं मिला है तो दूसरे सवाल पूछिए। ये एक्सपेक्टेशन आम जनता की रहती है, आम जनता की यही एक्सपेक्टेशन रहती है। मनोज यादव जी, मुझे ये बताइए, अब ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, इसका इस्तेमाल हम और आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि गए मार्केट से खरीद कर लाए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद हम और आप किसी की जासूसी करना चाहते हैं तो करने लगे। ये पेगासस स्पाईवेयर जो इसराइल का है, ये तो सरकारों से ही डील करता है। अब सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए, सिर्फ ये कहने से काम चल जाएगा क्या कि ये इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का हाथ हो सकता है? अच्छा समीर जी, मैं दो तीन जवाब दूंगा, सप्पा का भी जवाब देना, जल्दी से जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, वक्त कम रहता है जी। मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब भाजपा सरकार तैयार बैठी हुई है, चर्चा कराने के लिए तैयार है, तो ये लोग हंगामा बरपा रहे हैं। और मुझे बताइए कि जब सरकार तैयार बैठी तो ये हंगामा करने के लिए क्यों तैयार है? क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? चर्चा करिए, हम खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। हम भी कांग्रेस से सवाल पूछेंगे, भाई इसी समय पे आपने क्यों एजेंडा चलाया, ये क्या प्रोपेगेंडा है? और जब पैक्सेस से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है, देखिए कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने 2006 में अमर सिंह का फोन टेप कराया, 2009 के अंदर ममता बनर्जी का फोन टेप कराया, 2010 के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर पैक्सेस स्पाईवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ या बदमाशों के खिलाफ या गलत गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं, हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं? गलत गतिविधियों में आतंकवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले जो भी हैं, जो टेलीग्राम एक्ट है और आईटी एक्ट 2000 के तहत उनके खिलाफ उनकी जासूसी की जाती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।